दोस्तों, इंडियन फार्मिंग की एक और वीडियो में स्वागत है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने जो भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वो है न्यू होलैंड का 5620 CRDI मॉडल है, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले साइड लुक चेक करा देते हैं। साइड में आपको इसमें न्यू होलैंड का स्टिकर इस तरह से मिलेगा, 5620 की ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी। और 65 HP में ये ट्रैक्टर आता है पूरा इस तरह से। ये इसका साइलेंसर है, बार को आता है साइलेंसर इस तरह से। और ये इसमें हीट गार्ड, ये कंपनी हीट गार्ड लगा के यहाँ पे देती है। वाटर सेपरेटर आपको इसमें नीचे की साइड में मिलेगा। और चारों इंडिकेटर इसमें LED मिलते हैं। ये इसके इंडिकेटर भी चेक कर लो आप, ये इंडिकेटर चारों के चारों इंडिकेटर LED मिलेंगे। पिछले जो टायर हैं बैक के वो मिलेंगे 16-9-30 के, और 50 kg की एक प्लेट आपको पीछे टायर में लगी हुई मिलेगी। इसके साथ ही जो अगले टायर हैं MRF कंपनी के 6-50-20 के, इसमें फ्रंट के टायर मिलते हैं। और ये इसका साइड से लुक, ये पूरा आपको सेफ्टी के लिए कंपनी जाली लगा के देती है यहाँ पर। और ROPS कैनोपी इसमें कंपनी फिटेड मिलेगी। ये बैक का इंडिकेटर ये भी चेक कर सकते हो इस तरह से। और ये इसमें हब रिडक्शन का सिस्टम मिलता है पूरा एक्सल। बैक में अगर अपन बात करें तो इसमें बैक में रिफ्लेक्टर मिलेंगे, बोतल होल्डर मिलेगा, टूल बॉक्स मिलेगा यहाँ पर इस तरह से फाइबर का। और ये इसकी टापलिंग अपन को यहाँ पे मिलेगी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर में ट्रैक्टर आता है प्लाव वगैरह चलाने के लिए। और इलेक्ट्रिक स्विच इसमें ये कंपनी यहाँ पे लगा के देती है, किसी को भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना हो तो वो यहाँ से कर सकता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें मिलता है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर आपको इसमें आगे मिलेगा। और ये इसका PTO की शाफ्ट यहाँ पर इस तरह से दे रहेगी। 2000 से 2500 kg की इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी आती है। और ये इसकी लिंकें भी चेक कर लो, अभी इस तरह की इसकी लिंकें मिलेंगी। ये न्यू होलैंड एग्रीकल्चर का स्टिकर यहाँ पे कंपनी लगा के देती है। 6 ईयर्स वारंटी का स्टिकर यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये जो कंपनी की तरफ से प्लेट आती है इसे भी चेक कर सकते हैं आप, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है ट्रैक्टर की, ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। SFC इसमें 199 की SFC कंपनी ने दे रखी है। और PTO की जो पावर है 47.7 और HP में 64 की आपको इसके PTO की पावर मिलेगी। और ये दूसरी साइड से ट्रैक्टर का लुक ये भी चेक कर सकते हो। 5620 TX रिवर्स PTO का स्टिकर यहाँ पे मिलेगा। और ये आगे जो है 30 kg की एक प्लेट है, 4 प्लेट कंपनी लगा कर देती है। वेट भी आगे लगा हुआ है। और ये चूल्हा देती है कंपनी बम्पर वगैरह लगवाने के लिए। एक्सल पूरा एडजस्टेबल मिलेगा, पावर स्टेयरिंग मिलेगा सिंगल जेक में इसमें। और ये है इसका साइड। ये इसका फ्रंट का इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर LED आते हैं इसमें। और ये पकड़ने के लिए हैंडल, ऊपर चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप कंपनी देती है इस तरह से। और मैट लगी हुई है यहाँ पर प्लेटफार्म पर। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में ही न्यू होलैंड का लोगो आएगा इस तरह से, ऊपर ही इसमें ऐसी जाली आती है। बैटरी बॉक्स इसमें भीतर की साइड में मिलेगा अपन को। और ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिलेगा इसमें। ये आगे 2 बड़े लैंप आते हैं जिसमें ये एक LED DRL कंपनी ने दे रखा है। इसके साथ में ये इसका सिंगल जेक पावर स्टीयरिंग के लिए, ये भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। और ये फुल कवर्ड इंजन इसमें मिलता है अपन को। ये इसके फिल्टर मिलते हैं, लंबे लंबे डीजल फिल्टर और हाइड्रोलिक फिल्टर। ये इसमें वाटर सेपरेटर का इस तरह से मिलता है। 5620 ट्रैक्टर है, 65 HP का ट्रैक्टर आता है, 64 HP की PTO की पावर आती है इसमें, ये चेक कर सकते हो। और ये हीट गार्ड भी इसमें कंपनी लगा के देती है। और इसे ये हैंडल की तरह भी अपन ऊपर से पकड़ सकते हैं। और ये नीचे पूरा कांच की सेफ्टी के साथ में हीट गार्ड इसमें मिलेगा। और प्लेट फार्म इसका ऑलमोस्ट प्लेट नहीं आएगा, बीच में जो है बड़ा सा हम्प देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा। ये इसमें पार्किंग ब्रेक, ये पार्किंग ब्रेक आता है इस तरह से। और ये इसकी कैनोपी, ये इसमें कैनोपी मिलेगी। ये इसकी सीट मिलेगी जिसमें हैंड रेस्ट आपको कंपनी लगा के देती है इस तरह से। ये है इसकी कैनोपी पूरी ड्राइवर की सुरक्षा के लिए। अगर बैक से बात करें तो बैक में ये बड़ा हेडलैम्प मिलेगा। और बैक के टायर 16-9-30 के मिलेंगे। और कंपनी इसमें 50 kg की ब्रेड भी लगा के इसमें देती है। अब अगर ऊपर से ट्रैक्टर की बात करें, ऊपर से अगर अपन ट्रैक्टर की बात करें तो चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप इसमें मिलेगा। और ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा। और पकड़ने के लिए एक ये हैंडल इस तरह से इसे काम में ले सकते हैं। तो ये ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये इसका फ्रंट का बोनट का लुक है, न्यू होलैंड 5620 ट्रैक्टर का CRDI में इसका इंजन आता है। और ये इसका मीटर है दोस्तों, 2500 RPM देती है कंपनी इसमें, इस तरह से। ये इसका फ्यूल का है और ये इसमें होवर्स का यहाँ पे दे रखा है, और ये इसमें बीच में एक बटन दे रखा है, इससे अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है दोस्तों ये तीन मोड दिए हुए हैं, इको और इको प्लस, ये तीन मोड इसमें कंपनी ने दे रखे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये बीच में आ जाता है, और तीसरा इस तरफ आ जाता है। तो ये तीनों मोड जो है अलग अलग HP के लिए काम करते हैं। ये इसका हाथ की रेस है, ये पाँव की रेस यहाँ पर आ जाती है, ये इसके ब्रेक हैं, और ये है क्लच, और ये PTO का इंडिपेंडेंट क्लच अलग से कंपनी ने यहाँ पर दे रखा है। ये इसका हाई लो मीडियम का गेयर है, ये चेक कर सकते हो, ये हाई लो मीडियम का गेयर यहाँ पर हो गया, और चार गेयर आपको इधर मिल जाते हैं, यानी कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गेयर में कॉम्बिनेशन में ये आता है। ये इसके DC PC लीवर हैं लिफ्ट के, सीट मिलेगी एडजस्टेबल, और हैंड रेस्ट मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ ही इसके DC PC लीवर, डिस्ट्रीब्यूटर डबल डिस्ट्रीब्यूटर देती है तो ये उसका लीवर, और सीट बेल्ट भी इसमें मिलेगी, ये चेक कर सकते हो आप। ड्राइवर की सेफ्टी के लिए कंपनी सीट बेल्ट देती है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, ये हवा का इंस्ट्रक्शन टायरों में, और ये लिफ्टोमेटिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, और ये लिफ्टोमेटिक का बटन कंपनी यहाँ पर देती है, ये भी चेक कर सकते हो। और मोबाइल वगैरह की सुविधा जो है, मोबाइल रखने के लिए कंपनी यहाँ पर जो है जाली लगा के दे रही है, पॉकेट छोटी सी, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही इसमें हॉर्न के और इंडिकेटर के कंट्रोल यहाँ पर मिलेंगे, ये पेट्रोल कैप इसका यहाँ पर मिलेगा, और ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हीट गार्ड, ये भी कंपनी देती है ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। और ये इसका प्लेटफार्म भी चेक कर सकते हो, बीच में अच्छी खासी जगह मिलेगी इसमें। ये इसका प्लेटफार्म मेट लगा के दे रही है कंपनी, और साइड शिफ्टिंग गेयर बॉक्स में है ट्रैक्टर, ये साइड शिफ्टिंग गेयर बॉक्स में ट्रैक्टर आता है, ये भी चेक कर सकते हो आप, ये साइड शिफ्टिंग में आएगा, ये चेक कर सकते हो। शटल शिफ्ट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो ये जो है न्यू ओरियंट का 5620 ये ट्रैक्टर है दोस्तों, पूरा एजेंसी में खड़ा हुआ है, डायरेक्ट यहीं से आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इसका बोनट इस तरह से खुलता है इसमें, है ना, CRDI ही ट्रैक्टर पूरा ही। ये इसमें ढोल की आवाज़ वगैरह के कम करने के लिए टर्बो थोड़ी इसमें, ये अच्छा ये टर्बो चार्ज इंजन है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक। और ये CRDI ट्रैक्टर है पूरा, ये सब इसका CRDI का, जब जो तू ना फुल कवर्ड मिलेगा, कर दो बंद कर दो। तो दोस्तों 5620 ट्रैक्टर है 65 HP का, पूरी वीडियो आपको दिखा दी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।